स्टूडेंट्स, आईटीआई फिटर ज्ञान में आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक है, आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ अलॉयस। इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, बेसिकली टंगस्टन मिलाने पे हमारी क्या क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आता है, निकल मिलाने में क्या क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आता है, तो वो सब हम आज जानेंगे। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना रुके। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ अलॉयस हम लोग पहला देखेंगे टंगस्टन। टंगस्टन को हम लोग इसे डिनोट करते हैं टी से। ठीक है, दूसरा क्रोमियम। क्रोमियम हो गया। तीसरा हमारा हो जाएगा वैनेडियम। क्रोमियम को हम लोग शो करते हैं सी आर से। वैनेडियम हो गया वी। ये हो गया आपका वैनेडियम। ठीक है, अब मैं इसको, आप पहले ये स्टार्टिंग के तीन देखेंगे, मैं इसको आपको याद करने की ट्रिक बनाता हूँ। तो आप बीच वाला है क्रोमियम, इसकी आप ट्रिक के लिए एच एस टी याद कर लीजिए। एच एस टी आपने एच एस टी याद कर लिया, अब क्या करना है, बीच वाला एच एस टी हो गया, जो टी है उसको आप पहले लिख लीजिए। ये आपकी ट्रिक है टी। और आपका एच जो है आप वेनेडियम के लिख लीजिए। एच हो गया। अब देखिए, आपने कर लिया, समझ लिया, आपको याद हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एच से क्या है। इसमें हम लोग इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी हार्डनेस, हार्डनेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। मतलब कि जब कोई पदार्थ है, कोई उसमें आप क्रोमियम मिलाते हैं तो पहली प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है हार्डनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या होती है, स्ट्रेंथ। इसको मिलाने से इसकी स्ट्रेंथ की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, स्ट्रेंथ मतलब इंप्रूव हो जाता है इसका। तीसरा है टफनेस, इसकी टफनेस भी इम्प्रूव हो जाती है। मतलब एच से आपका हार्डनेस हो गया, एच से स्ट्रेंथ हो गया, टी से हो गया आपका टफनेस। तो जब आप क्रोमियम मिलाते हैं, इसकी ये तीन क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, और हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे हम लोग देखते हैं क्रोमियम में। ठीक है, जब ऑब्वियस है, हार्डनेस जब उसकी बढ़ रही है, टफनेस बढ़ रही है, तो उसकी मेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मेलेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये इसके चार मेन पॉइंट थे क्रोमियम की। पहला क्या है, पहला आपका जो है हार्डनेस इम्प्रूव होती है, दूसरी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, तीसरी टफनेस इम्प्रूव हो जाती है, और एक इसमें एक ड्रॉबैक के ये है कि मेलेबिलिटी इसकी डिक्रीज हो जाती है किसी मेटल या किसी के साथ एलॉय कंपोजिशन में मिलाने पर। ठीक है, अब हम लोग टंगस्टन देख लेते हैं। ठीक है, हमारा जो टंगस्टन में क्या है टी, तो टी से क्या है हमारी टफनेस, टफनेस इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, और इसमें वियर रेजिस्टेंस आ जाता है, वियर रेजिस्टेंस को भी इम्प्रूव कर देता है। अब देखिए वैनेडियम आपका है, ठीक है, लास्ट है, तो वैनेडियम में क्या है, वेनेडियम क्या करता है, हार्डनेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है।
हार्डनेस को इम्प्रूव करता है, ठीक है, हार्डनेस को इम्प्रूव करता है। और ये आपका 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक इलास्टिसिटी को बनाया रखता है, नेक्स्ट है निकिल। निकिल एक मिनट, यहाँ पे ये स्टील है, यहाँ पे 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टील की इलास्टिसिटी को बनाए रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निकिल। निकिल का भी सेम वही तरीका है, HST आप याद रखिए, इसमें भी सेम वही रहता है, ठीक है। HST में इसमें पहला क्या हो जाएगा आपका, हार्डनेस को इम्प्रूव करता है या इंक्रीज करता है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेंथ सेम हो जाएगा, इम्प्रूव करेगा या इंक्रीज करेगा, ठीक है। थर्ड क्या है, टफनेस, ये भी इम्प्रूव करेगा या इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। अब क्या है कि निकिल जो है ये हमारा एंटी कोरोजन होता है, समझ रहे हैं, एंटी कोरोजन होता है। और क्या होता है ये, नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। एंटी कोरोजन होता है, टफनेस होता है, स्ट्रेंथ होता है, हार्डनेस होता है, ओके। अरे यार, एक जो होता है एसिड इफेक्ट को कम करता है, मतलब ये कम करता है। ये सब चीज़ें हैं निकिल की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मॉलीबेडनम पे। नेक्स्ट हमारा है मॉलीबेडनम। इसमें हमारा क्या होता है, मॉलीबेडनम में हमारा जो प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी टंगस्टन और निकिल की, इसमें वे सभी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो निकिल व टंगस्टन में, ये आपका टंगस्टन में पाई जाती हैं। और क्या ये, टू स्टॉप वियर रेजिस्टेंस, मतलब ये वियर रेजिस्टेंस को भी स्टॉप करने में यूज़ करी जाती हैं, ठीक है। आपका हो गया मॉलीबेडनम हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स देख लेंगे, वो है कोबाल्ट। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कोबाल्ट, ठीक है। ये भी एक अच्छा है, ये भी पूछ लेता है बार कभी कभी। इसको ट्रिक करने का तरीका है HMS, जैसे आपका SMS होता है, आपका पहला S हटा के सिर्फ H लगा देना है, तो ये आपका हो जाएगा HMS। अब HMS भी क्या होता है, देखिए, हार्डनेस इंक्रीज करता है, ऐसे क्या है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, ये आप चिन्ह समझ जाइएगा, इंक्रीज है, ठीक है। एम से क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये आपकी कोबाल्ट की प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, वो है हमारा सातवां, क्या है सातवां, हमारा है फॉस्फोरस, ठीक है। ये आपका है फॉस्फोरस।
फॉस्फोरस में क्या है, फॉस से फॉस्फोरस हो रहा है, देखिए बोल के देखिए, फॉस से फॉस्फोरस, और इसी से हो जाएगा मिलता जुलता फ्यूजिबिलिटी, फ्यूजिबिलिटी। अभी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया भी है, याद करने का तरीका देखिए, फॉस से फॉस्फोरस, फॉस से फ्यूजिबिलिटी। देखिए थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, ऐसे आप दो तीन बार, चार बार, पांच बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी नहीं बोलेंगे। तो ये आपका फ्यूजिबिलिटी इंक्रीज कर देता है, ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फ्यूजिबिलिटी इंक्रीज, आप समझ जाइए ऐसे इंक्रीज कहते हैं, ठीक है। तो आपका ये फ्यूजिबिलिटी इंक्रीज करता है, और जो आपका इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है, हाँ एक इसमें ये होता है कि इसमें ब्रिटलनेस आ जाती है, बट इसमें ब्रिटलनेस आ जाता, ब्रिटलनेस आ जाता है, ठीक है। अभी मैंने पहला बताया मॉलिब्डेनम, इसमें आपको वो सभी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो निकिल और टंगस्टन में मिलती है, मैंने अभी सब बताया था आपको, वो देख लीजिएगा। इसमें ट्यूब स्टॉप वियर स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होता है, कोबाल्ट के लिए HMS तरीका, हार्डनेस स्ट्रेंथ मैग्नेटिक, ठीक है। फॉस्फोरस आपकी फिजिबिलिटी इंक्रीज करती है, बट इसमें ब्रिटलनेस आ जाता है, ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट है आठवां, जो आपका नेक्स्ट इसी में बता दे रहा हूँ, एक मिनट, जो आपका इसमें आठवां पॉइंट है वो है सिलिकॉन। अब देखिए सिलिकॉन याद करने का, देखिए सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन जो है आपका एस से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या सिलिकॉन किसके लिए यूज़ किया जाता है, सॉफ्ट बनाने के लिए, किसी धातु को सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें सिलिकॉन बनाने, सिलिकॉन यूज़ किया जाता है, सॉफ्ट बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। ये हो गया आपका सिलिकॉन, और एक प्रॉपर्टीज़ और होती है इसमें सिलिकॉन के लिए, ठीक है। हाँ एक होता है ये मशीनिंग के लिए यूज़ होता है, मशीनिंग में, मशीनिंग, ठीक है। तीसरा ये इसमें ब्लो होल्स नहीं बनते हैं, ब्लो होल्स नहीं बनते हैं। मतलब कि सिलिकॉन, देखिए एस से सिलिकॉन हो गया, उसको सॉफ्ट बनाने में यूज़ होता है, कोई पदार्थ हार्ड है तो उसमें सिलिकॉन मिला दो सॉफ्ट हो जाएगा, मशीनिंग योग्य बनाता है, मशीनिंग योग्य बनाता है, ठीक है। और जो ब्लो होल्स आ जाते हैं, जैसे कोई होल्स अंदर की ओर बनने लगते हैं किसी वेल्डिंग में, वो सबकी प्रॉब्लम सिलिकॉन दूर कर देता है, ठीक है। अब हम लोग रफ कर दे रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीज, मैग्नीज, ठीक है। ये एक तरह से प्यूरीफाई एजेंट की तरह काम करता है मैग्नीज, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टील को प्यूरीफाई करता है, प्यूरीफाई करता है और डीऑक्सीडाइजिंग की तरह यूज करता है, कि डीऑक्सीडाइजिंग करता है, ठीक है, डीऑक्सीडाइज करता है इसको, स्टील को प्यूरीफाई करता है और डीऑक्सीडाइजिंग करता है। और क्या करता है ये, देखिए ये जो होता है सल्फर की, जो आपका सल्फर होता है, सल्फर के हानिकारक प्रभावों को, हानिकारक प्रभावों को कंट्रोल करता है। और एक और इसकी प्रॉपर्टीज मेन है कि इसको अधिक मात्रा में, इसको अधिक मात्रा में मिलाने पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समाप्त कर देता है, समाप्त या रिड्यूस कर देता है, आप कह सकते हैं समाप्त या रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ये हो गई आपकी मैग्नीज की प्रॉपर्टी। एक लास्ट जो बच्चा है हमारा दसवां नंबर, वो है लेड,
लेड। लेड तो आप लोग मोस्टली जानते ही होंगे किस लिए यूज होता है, ये आपको फ्री कटिंग एक्शन देता है, फ्री कटिंग एक्शन देता है, और आपका एसिड, जब कोई एसिड होता है तो उसमें लेड यूज कर लेते हैं, एसिड के प्रभाव को वो एसिड के प्रभाव में खत्म कर देता है। ठीक है, इसीलिए हम उसको एसिड टैंक में यूज करते हैं, इसीलिए लेड को एसिड टैंक में यूज करते हैं। और आपका एक प्रॉपर्टी और था, हाँ, और ये आपकी गुड फिनिशिंग भी देता है, फ्री कटिंग एक्शन देता है और गुड फिनिशिंग देता है आपको, गुड फिनिशिंग। गुड फिनिशिंग देता है और मशीनिंग की में भी यूज देता है, मशीनिंग योगी बनाता है ये भी, मशीनिंग योग्य बनाता है। तो ये आपके 10 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जिसको मैंने आपको डिटेल में बताया है। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जिसका आप लोग जब ये वीडियो देखेगा तो आप कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करिएगा, इनवार स्टील क्या होता है? अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं बताऊँगा, ऐसी बात नहीं है, बताइएगा इनवार स्टील क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, अब देखिए मैंने सारे मेल्टिंग पॉइंट लिख दिए हैं क्योंकि एक वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी। हाँ, तो अब देखिए निकिल का हमारा था 1453, क्रोमियम का 1800, वेनेडियम का 3338। ठीक है, वेनेडियम का आपका हो गया 1730, ये आपको सब पता होना चाहिए, नोटिफिकेशन वेनेडियम होया ये हमारा, वेनेडियम को हम लोग वी से डोनेट करते हैं। ठीक है, वेनेडियम का 1730 हो गया, रॉट आयरन का 1600 हो गया, एमएन ये आपका मैग्नीज है 1244, कोबाल्ट 1492, एल्युमिनियम 648, लेड 327, कॉपर 1083। ये काफ़ी पूछता है, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया आपका, रॉट आयरन हो गया, निकिल, क्रोमियम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टिन, क्योंकि इसका सबसे कम होता है मेल्टिंग पॉइंट 232 डिग्री सेंटीग्रेड। कास्ट आयरन हमारा 1150 से 1200, जिंक हो गया 420, ब्रास का 950, गोल्ड 1060, प्लेटिनम 1773, सिल्वर 1960। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेल्टिंग पॉइंट है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि एक एक नंबर आपको सिलेक्शन लेने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, तो आपका ये मेल्टिंग पॉइंट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मोस्टली मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं इसमें, और जो कुछ टॉपिक बचा हुआ है उसको मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो साथ में आपको बताते चलवाएंगे, जैसे स्पार्क टेस्ट बचा हुआ है कि कितने तरह के स्पार्क टेस्ट होते हैं, तो ये एग्ज़ाम में आता भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसको मैं आपको क्वेश्चन कराते टाइम ही कवर कर लूँगा कुछ कुछ। तो हमारे डिस्क्रिप्शन मैसेज में किसी ने मैसेज किया था, उसने पूछा था कि लो क्रिटिकल टेम्परेचर, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो मैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। तो हमारा जो लो क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, ये क्या होता है लो क्रिटिकल टेम्परेचर? ठीक है, अब बताता हूँ मैं आपको, जैसे लो क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए मैंने स्टील है, ठीक है, मैंने स्टील को ले लिया, इसको मैं गर्म करना, धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको धीरे धीरे गर्म करते 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 इसको यहाँ पर कुछ मिला मुझको, फिर मैं इसको करते करते पूरा 727 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ले गए। ठीक है, क्या होता है कि
727 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ये गर्म हो जाता है तो इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ये आपका जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंजमेंट स्टार्ट हो जाता है, कुछ चेंजमेंट स्टार्ट होने लगता है, मतलब कुछ दूसरे तरह का मिलने लगता है, मतलब चेंज होने लगता है मटेरियल इंटरनल स्ट्रक्चर। तो उस टाइम जो टेम्परेचर होता है वो हमारा कहलाता है, इस सिचुएशन में जो हमारा टेम्परेचर बनता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लो क्रिटिकल टेम्परेचर, लो क्रिटिकल टेम्परेचर। कहने का मतलब है जब हम किसी स्टील को या किसी पदार्थ को गर्म करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिस टेम्परेचर पर उसके आंतरिक स्ट्रक्चर चेंज होना स्टार्ट हो जाए, तो एट दिस पॉइंट द टेम्परेचर इज नोन एज लो क्रिटिकल टेम्परेचर। ये आपका हो गया लो क्रिटिकल टेम्परेचर। अब हम लोग देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं, हाई मीन्स अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब देखिए हम लोग इसको लो क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म किया, ठीक है, अब हम यहाँ पे लो क्रिटिकल टेम्परेचर से भी ऊपर गर्म करते हैं। ये डेल्टा मीन्स गर्म, मतलब गर्म को शो करता है। तो जब इससे ऊपर चेंज करना स्टार्ट करते हैं तो इसका पूरा आंतरिक स्ट्रक्चर जो होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाए, तो उस टाइम हमारा जो स्ट्रक्चर होता है आयरन और कार्बाइड के रूप में मिल जाता है, ठीक है, आयरन और कार्बाइड, ठीक है। फिर वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पे पूरी तरह से स्ट्रक्चर चेंज हो जाए और हमारा मटेरियल ऑस्टेनसाइट की तरह मिल जाए, ऑस्टेनाइट की तरह हमारा मिल जाए, तो इस पूरी प्रोसेस में जो जिस पॉइंट पे हमें ये ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर मिलता है, मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर एक तरह से हम कह सकते हैं, उसको हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, लो क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा वो होता है जहाँ पे उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज होना स्टार्ट होता है, मतलब चेंज स्टार्ट होता है, तो उस पॉइंट पे हमारा कहलाता है लो क्रिटिकल टेम्परेचर। जब ये आपका मैक्सिमम चेंज हो जाता है, पूरी तरह से स्ट्रक्चर चेंज होके मिलता है जिस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर हमारा कहलाता है वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हमारी वीडियो ऑलमोस्ट इस मटेरियल साइंस लगभग टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट करेंगे। तो अब आप मेरी मेहनत इतनी कर रहा हूँ मैं आपके लिए, तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है आप लोग का, तो थोड़ा सा आप भी करिए कॉर्पोरेट, थोड़ा मैं भी कॉर्पोरेट करूँगा। तो फिर चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलता हूँ मैं आपको क्वेश्चन लेके, तो आप प्रिपेयर करिए पूरा सब कुछ जो जो मैंने पढ़ाया है। ओके, थैंक यू क्लास।